गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ओके बच्चों, तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी द फिफ्थ चैप्टर ऑफ मैथ्स वन, इसका प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम सेट वन नहीं, प्रॉब्लम सेट फाइव। बच्चों सबसे पहले हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आपको मालूम है कि आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आते हैं और 1 मार्क के लिए ईच क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो यहां पे पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और फिर हम उसका ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन राइट है। विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों यहां पे कह रहा है कि कौन सा नंबर प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन ए 2/3, बी 1.5, सी 15% और डी 0.7। तो ये क्वेश्चन समझने के लिए पहले हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन क्या होता है, एन एस होता है। तो बच्चों यहाँ पे एन एस क्या है, सैंपल स्पेस है, और ये क्या है, इवेंट के एलिमेंट्स हैं। तो आपको ये बात तो मालूम होगी कि जो भी इवेंट के एलिमेंट्स हैं आप सैंपल स्पेस से सिलेक्ट करते हो, यानी सैंपल स्पेस जो है ये हमेशा इवेंट से बड़ा होगा। जैसे आपने डाई वाला क्वेश्चन किया था तो उसमें सैंपल स्पेस में 6 रहता है और इवेंट में अगर आप ऑड नंबर ले रहे हो तो 3, इवन नंबर ले रहे हो तो 3। तो ये बात आप याद रखो। यहां पे अगर मैं 3 लिखता हूं, ऑड नंबर का ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, एक डाई अगर थ्रो किया गया है तो आंसर क्या आएगा, 1/2, 0.5। ओके, अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इवेंट जो है ये सैंपल स्पेस से ज्यादा हो। सैंपल स्पेस के बराबर हो सकता है इवेंट के एलिमेंट, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब हमेशा यहां पर डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर होगा, यानी ये फ्रैक्शन प्रोबेबिलिटी कभी भी या तो 1 होगा या 1 से क्या होगा, लेस होगा। प्रोबेबिलिटी इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होगा। तो बच्चों 2/3, अब 2/3 लोगे तो आंसर क्या आता है, 0.6 आता है। यहां पे चांसेस है 1.5 तो 1 से ज्यादा है, 15% मतलब क्या हो गया, 15/100। ये ऑप्शन ओके, 15/100, 15/100 करोगे तो क्या आएगा, 0.15, राइट। और यहां पे फिर क्या है, 0.7। तो ये भी 1 से लेस है, ये भी 1 से लेस है, ये भी 1 से लेस है, राइट। तो लेकिन 1.5 जो है ये क्या है, 1 से ज्यादा है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज आइदर इक्वल टू 1 और लेस देन 1। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, बी। तो आंसर इज अ ऑप्शन बी, समझ गए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है उसके पहले इसे मिटा देते हैं। ओके बच्चों, अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर अपीयरिंग ऑन अपर फेस इज लेस देन 3। अ डाई इज थ्रोन, तो आपको मालूम है अगर डाई थ्रो किया गया है तो लेस देन 3, लेस देन 3 में कौन कौन से नंबर आते हैं, 1, 2, राइट। जो डाई रहेगा उसको अगर थ्रो किया गया तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आएगा। तो एन एस इज इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा। लेट ए बी द इवेंट दैट नंबर ऑन द अपर फेस इज लेस देन 3, लेस देन 3 मतलब क्या हो गया, 1, 2 हो गया। तो बच्चों एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको क्या मिलेगा, एन ए अपॉन एन एस 2/6, मतलब आंसर क्या आएगा, 1/3। तो 1/3 क्या है, फिर से आपका आंसर आता है बी। तो यहां पर आंसर होगा बी, राइट। क्वेश्चन 3 बच्चों, वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट अ नंबर चोसन फ्रॉम 1 to 100 इज अ प्राइम नंबर। तो बच्चों नंबर अगर 1 to 100 है, इसका मतलब सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स होंगे वो 100 होंगे। और फिर बच्चों हमें 1 से लेकर के 100 तक प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो प्राइम नंबर में आपको मालूम होगा 1 नहीं आता है,
तो ये प्राइम नंबर मैंने आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन और बाय इटसेल्फ, और किसी से भी डिविजिबल नहीं होंगे, दे आर कॉल्ड एज अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे बच्चों कितने नंबर्स आ गए गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 नंबर्स हो गए, राइट। इसका मतलब यहाँ पे एन ए जो है ये आपको कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या मिलेगा, फॉर्मूला मालूम है एन अपॉन एन एस, तो 25 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो देखो 1 अपॉन 4, हाँ सी ऑप्शन राइट है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज सी 1 अपॉन 4, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर आपका आ गया 1 अपॉन 4, राइट। ओके, अब अगला, देयर आर 40 कार्ड इन अ बैग, एक बैग में 40 कार्ड्स हैं, ठीक है, समझो इस वे से ये बैग है, रस्सी से बंधा हुआ, इसमें टोटल कितने कार्ड्स हैं, 40 कार्ड्स हैं, और ये 40 कार्ड जो हैं इसमें 1 से लेकर के 40 तक नंबर्स दिए हुए हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम, इसमें से एक कार्ड रैंडमली आपने निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड बी आर अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो पहले कितने कार्ड्स हैं, 40 कार्ड्स हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस 40 आ गया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कार्ड ड्रॉन बी एस ए मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, लेट ए बी द इवेंट दैट अ कार्ड बियर्स अ नंबर मल्टीपल ऑफ 5। तो बच्चों 5, 10, 15, 25, 30, 35 और 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ इवेंट ए इज अ 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा बच्चों, एन ए अपॉन क्या आएगा, एन एस आएगा, तो 8 अपॉन 40, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5, तो 1 अपॉन 5, हाँ ये रहा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। यहाँ पे आप आंसर लिख दोगे, आंसर ऑप्शन ए, एग्जाम में भी आपको खाली ऑप्शंस लिखने हैं। ओके चलिए अब अगला है। ओके यहाँ पे एन ए इज इक्वल टू 2 है, पी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 है, एन एस क्या होगा। तो बच्चों आपको फॉर्मूला तो मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन क्या होता है, एन एस होता है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, एन एस करना है, तो फिर एन एस यहाँ लिख दो और एन ए अपॉन क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ आ जाएगा। तो बच्चा लोग एन ए, एन ए, एन ए कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया, राइट। और पी ए प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 अपॉन 5 है, तो ये आ गया 1 अपॉन 5, तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 into क्या आ जाएगा, 5 upon 1, मतलब आंसर क्या आ गया, 10। तो यहाँ भी ऑप्शन ए क्या है, राइट है। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन ए, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके बच्चों, ऑब्जेक्टिव के बाद अभी सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वैसे आपको मालूम है कि ये चैप्टर ही बहुत इजी चैप्टर है। तो देखते हैं क्या कर रहा है ये। बास्केटबॉल प्लेयर जॉन, वसीम, आकाश वेयर प्रैक्टिसिंग द बॉल ड्रॉप इन द बास्केट। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ अ सक्सेस फॉर जॉन, वसीम एंड आकाश आर 4 अपॉन 5, 0.83 and 58%। हु हैड द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब जॉन, वसीम और आकाश ये लोग बास्केटबॉल में, बास्केटबॉल के खेल में जो बास्केटबॉल है उसको बास्केट में ड्रॉप करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस फॉर जॉन, वसीम एंड आकाश, उनकी प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दिए 4 अपॉन 5, 0.83 और 58%। हु आर द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो पहले तो 4 अपॉन 5
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.8, सेकेंड वन क्या है 0.83 है, 0.83 है। और बच्चों 58% को आप क्या लिखोगे 15/100 मतलब 0.58। अब इसमें से आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो तो 0.83 इज ग्रेटर देन 0.8 इज ग्रेटर देन 0.58, तो सबसे बड़ा नंबर क्या आ गया 0.83। ओके तो 0.83 किसकी प्रोबेबिलिटी है वसीम की, राइट। देयरफॉर वसीम हैड ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो वसीम का सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है सबसे ज्यादा, और कितना है वो 0.83, दैट इज भी लिख दो 0.83, बाकी तो इससे स्मॉल है। एक और इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। इन अ हॉकी टीम देयर आर 6 डिफेंडर 4 ऑफेंडर एंड 1 गोली। हॉकी टीम में 6 डिफेंडर हैं, 4 ऑफेंडर है और एक क्या है गोली है, मतलब जो गोल कीपर है। आउट ऑफ दिस वन प्लेयर इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली रैंडमली एज अ कैप्टन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन दैट द गोली विल बी सिलेक्टेड अ डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड। मतलब 6 डिफेंडर 4 ऑफेंडर और एक गोली है और उनमें से किसी एक को आपको कैप्टन बनाना है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि गोली कैप्टन बनेगा या फिर डिफेंडर कैप्टन बनेगा। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये देख लो कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स तो 6 डिफेंडर 4 ऑफेंडर और 1 गोली इज इक्वल टू 11। देयरफॉर एन एस इज इक्वल टू 11। आउट ऑफ दिस वन प्लेयर इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली द गोली विल बी सिलेक्टेड एज अ कैप्टन। तो आप लिखोगे फर्स्ट लेट ए बी द इवेंट दैट गोली विल बी सिलेक्टेड, लेट ए बी द इवेंट दैट गोली will be selected as captain, goalie will be selected as a captain, okay? So kitne goalies hain, 1 goalie, there is only 1 goalie, वैसे भी एक goalie रहता है, there is only 1 goalie, so number of elements in A is equal to 1. Therefore, probability of A is equal to NA upon NS. So, NA 1 hai aur ye kitna 11. Therefore, probability of goalie becoming or selecting becoming captain is 1/11, ठीक है। अब second और ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है। A defender will be selected as a captain, तो defender तो क्या लिखोगे, let B is the event that defender will be selected as captain। तो बताओ बच्चों टोटल डिफेंडर कितने हैं, 6 डिफेंडर है ना, उसमें से एक को कैप्टन सिलेक्ट करना है। टोटल 11 में से 6 डिफेंडर हैं और डिफेंडर में से कैप्टन लेना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो लेट बी बी द इवेंट दैट डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड कैप्टन, तो क्या लिखोगे, देयर आर
सिक्स डिफेंडर्स, देर आर सिक्स डिफेंडर्स, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू सिक्स. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. सो इट इज सिक्स अपॉन 11. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड एज कैप्टन इज 6/11. ठीक है बच्चों. क्वेश्चन 4. जोसेफ केप 26 कार्ड इन अ कैप बियरिंग वन अल्फाबेट ऑन ईच कार्ड. वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज अ वोवेल कार्ड. तो ये कैप है, थोड़ा बाउल जैसा भी लग रहा है, मगर आप कैप करके इमेजिन करना. ठीक है, तो इसमें 26 कार्ड्स हैं और हर कार्ड के ऊपर ऐसा ए बी सी डी से लेकर के 26 लेटर्स लिखे हुए हैं. इसमें से आपको क्या करना है, एक कार्ड रैंडमली निकालना है. और वो कह रहा है कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड आप निकालोगे उस कार्ड पर वॉवल होगा या वॉवल कार्ड है. तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप लिखोगे देयर आर 26 अल्फाबेट, देयर आर 26 अल्फाबेट ऑन कार्ड, देयरफॉर एन एस इज इक्वल टू 26. फिर लेट ए be the event of getting, let A be the event of getting vowel card, let A be the event of getting vowel card. ठीक है, तो फिर vowels A E I O U they are called as a vowels. So there are 5 vowels in a English alphabet. 1, 2, 3, 4, 5. So number of elements in a event कितना आ गया, 5 आ गया. Therefore probability of A is equal to, आपको formula मालूम है, NA upon NS, ये हो गया 5 upon 26. तो आप देख सकते हो probability कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि denominator हमेशा ज़्यादा है. Therefore final answer लिख दो, probability of getting vowel card is 5/26. और अगर वो ऐसे बोलता कि कार्ड अदर देन वॉवेल, तो अदर देन वॉवेल कितने होते, 21 होते ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता, 21/26. ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अब बलून वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अ बलून वेंडर हैज 2 रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन बलून्स. उसके पास 2 लाल 3 नीले और 4 हरे बलून है. ही वांट टू चूज वन ऑफ देम एट रैंडम. उसमें से कोई भी एक बलून रैंडमली लेना है टू गिव इट टू प्रणाली, और वो प्रणाली को देना है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट प्रणाली गेट रेड बलून, ब्लू बलून, ग्रीन बलून. ठीक है, तो रेड बलून कितने हैं, 2 हैं. तो आप लिखोगे लेट रेड बलून्स R1 एंड R2, ब्लू बलून्स कितने, 3 है ना, ब्लू बलून्स, या ऐसे लिखोगे 3 ब्लू बलून्स R, 2 रेड बलून्स R1 एंड R2, 3 ब्लू बलून्स R, B1 B2 एंड B3 एंड 4 ग्रीन बलून्स आर G1 G2 G3 G4. तो सैंपल स्पेस में टोटल कितना आ जाएगा, ये 2 और 3 5 और 4 9 हो जाएगा, राइट. तो उसको लिख लेते हैं,
रेड बलून दो हैं तो R1 R2, ब्लू बलून तीन है तो B1 B2 B3, G1 G2 G3 और G4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, therefore NS is equal to 9. I'm sorry. Okay, so पहला क्या है, what is the probability that Pranali get a red balloon? तो let A be the event that Pranali gets red balloon. Pranali gets red balloon. तो फिर बच्चों A जो है इसमें रेड बलून्स आएंगे, रेड बलून्स कितने, 2 हैं, तो R1 R2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A NA अपॉन क्या आ गया, NS आ गया, तो ये हो गया 2 अपॉन 9. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट Pranali gets red balloon is 2 upon 9. ठीक है, अब ये balloons मैं हटा देता हूं. आपको draw नहीं करना है, खाली आपको समझाने के लिए मैंने यहां पे draw कर दिया. एग्जाम में आपको draw नहीं करना है बच्चों. सेकेंड क्या करा है वो, अ ब्लू बलून. ओके, तो क्या लिखोगे, लेट बी बी द इवेंट दैट प्रणाली गेट्स ब्लू बलून. तो बच्चों ब्लू बलून्स कितने हैं, ब्लू बलून्स 3 है, तो B1 B2 और B3, तो NB इज इक्वल टू 3 आ गया. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू NB अपॉन NS, तो 3 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3. फाइनल आंसर आप लिख देना, ठीक है. मैं लिख देता हूं, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी that Pranali gets blue balloon is 1 upon 3. Okay बच्चो, अभी last part ये मिटा देता हूं मैं. A green balloon, तो क्या लिखोगे, let C be the event that Pranali gets green balloon. तो C कितने green balloon, 4 हैं, तो G1 G2 G3 और G4, तो NC is equal to 4. तो probability of C NC upon NS, तो बच्चों 4 upon 9. Therefore probability that Pranali gets green balloon is 4 upon 9. समझे बच्चों?